हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम। तो कैसे आप सभी लोग? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, क्या आप लोग दुबई आने के बारे में सोच रहे हैं या कि आप लोग आने वाले हैं? तो दोस्तों, अगर आप लोग आने के बारे में सोचते हैं या आने वाले हैं, दोस्तों आने के पहले आप लोगों को 5 काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग को करके यहाँ पर दुबई में आना चाहिए, ठीक है? अगर आप लोग ये 5 काम करके आते हैं तो दोस्तों आप लोग जो है कि यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को जो है कि 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने के बाद जो है कि आप लोगों को यहाँ पर रोना पड़ेगा। दोस्तों, वो क्या चीज़ है इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे 9 साल से ऊपर हो गया दुबई में रहते हुए। और दोस्तों, मैं दुबई में जो है कि ब्लॉग के रिलेटेड और कंपनी के रिलेटेड और जो है कि न्यूज़ के रिलेटेड दोस्तों हमेशा जो है कि वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं जो भी बात यहाँ पर बताता हूँ, तो दोस्तों मैं खुद एक लेबर हूँ और मैं दोस्तों एक सप्लायर कंपनी में काम करता हूँ, और जो भी मैं बताता हूँ दोस्तों, तो हकीकत चीज़ बताता हूँ जो बिल्कुल लेबर लाइक का लाइफ का जो है कि रियलिटी चीज़ होता है। दोस्तों, मैं जो है कि कोई भी फालतू चीज़ नहीं बताता हूँ जो मतलब कि बढ़ा चढ़ा के, जो यहाँ पर रियलिटी चीज़ है वही चीज़ मैं बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो 5 काम कौन कौन सा चीज़ है। दोस्तों, नंबर 1 मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो आप लोग गाँव में जैसे खा पी कर खाना खाने के बाद आप लोग 9-10 बजे के बाद अगर आप लोग सो जाते हैं, सुबह 8 बजे 7 बजे जो जगते हैं, तो दोस्तों ये चीज़ जो है कि आप लोग को परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है कि सोने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि 4 बजे भोर में, 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे जो कि ऐसे हम लोग जो है कि गाड़ी मिलता है ड्यूटी जाने के लिए, और शाम को जब हम लोग 7 बजे छुट्टी होता है तो दोस्तों ट्रैफिक में आने जाने में 9-10 बजे तक खाना पीना बनाने में हम लोग को 11-12 बज जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जो आप लोग ज़्यादा सोते हैं तो उस चीज़ को आप लोग को कम करना पड़ेगा। आप लोग जागने की जो कि हैबिट कर लीजिए, 4-5 घंटे जो है कि सोने का आदत डाल लीजिए, उसके बाद ही दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को जो है कि कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करने पड़ेगा, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को नंबर 2 बता रहा हूँ कि जो आप लोग है कि गांव में या कहीं भी अगर आप लोगों को कोई भी थोड़ा सा कोई अपशब्द बात बोल देता है तो आप लोग जो कि गुस्सा कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करके मारपीट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, दुबई में आने से पहले आप लोगों को जो है कि गुस्सा को बिल्कुल शांत करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों? नहीं तो आप लोग यहाँ पर बता रहा हूँ कि 10 दिन तक नहीं जो है कि आप लोग टिक पाएंगे। वो क्यों नहीं टिक पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर आप लोग गुस्सा करेंगे, जगह जगह जो कि हमेशा झगड़ा करेंगे, तो आप लोगों को जो कि कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी, आप लोगों को जो कि तुरंत बिल्कुल यहाँ से बोरा बिस्तर बांध करनी। दोस्तों, नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ कि दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को जो है कि कपड़ा धोने का ढंग आप लोगों को होना चाहिए, और खाना बनाने का ढंग होना चाहिए, और बर्तन धोने का ढंग होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आजकल जो है कि दुबई में काफ़ी कंपनियाँ ऐसी हो चुकी हैं कि आप लोगों को खाना बनाकर नहीं देती है, आप लोगों को पैसा यहाँ का दरहम जो कि आप लोगों को दे देंगे और आप लोगों को बोले कि आप लोग अपना जो है कि खाना खुद बनाकर खा लीजिए, क्योंकि दोस्तों 100 में से 10 कंपनी ऐसी मिल जाएगी जो कि आप लोगों को खाना बनाकर देंगी, नहीं तो 90 जो कंपनियाँ ऐसी हो गई अभी कि आप लोगों को पैसे दे देती हैं और आप लोगों को खुद खाना बनाकर जो कि खाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि दुबई अगर आप लोग आना चाहते हैं, आने वाले हैं, आने के बारे में सोचते हैं, तो आप लोगों को जो है कि ये काम जरूर करना जो है कि सीख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों? जो मैं 4 नंबर की मैं बात बता रहा हूँ जो है कि ये जो है कि लेबर लाइफ का सबसे जो है कि महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आप लोगों को जो है कि बहुत ही ज़रूरी है करना। वो क्या है दोस्तों कि सबसे पहले आप लोगों को जो है कि बैंक में आप लोगों का अकाउंट जरूर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग जो है कि यहाँ से कमाकर जो है कि पैसा जो है कि आप लोग पूरा घर भेज देंगे, लेकिन जब आप लोग यहाँ से छुट्टी आप लोग यहाँ से जाएंगे तो आप लोगों के पास कुछ भी नहीं रहता, आप लोगों का खुद का अकाउंट नहीं रहता है, तो आप लोग उसमें डालेंगे क्या? तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को जो है कि अकाउंट नंबर आप लोगों को जरूर एक जो है कि किसी भी बैंक जो किसी भी बैंक में जाकर जो कि आप लोगों को खाता खुलवा लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों? ये चीज़ रहेगा तो आप लोगों को जो है कि किसी प्रकार का घर जाने के बाद किसी से 1 रुपया मांगना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आप लोगों को बहुत ही करना जरूरी है, अगर आप लोग ये चीज़ कर लेंगे तो आप लोगों को जो है कि फिर कभी पैसे की दिक्कत नहीं। मैं नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूँ कि डरना मना है। डरना मना है का मतलब ये है कि जैसे हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा फोरमैन चार्जेंट आ गया और आप लोगों को जो है कि डांट दिया, बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, जल्दी करो, ये करो, वो करो, दोस्तों आप लोगों को जो है कि डर कर काम करना नहीं है, ठीक है दोस्तों? क्योंकि अगर आप लोग डर कर काम करेंगे तो दोस्तों बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत जगह देखा हूं कि जितने भी नए नए लेबर आते हैं अपना इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहीं से भी अगर आते हैं ये लोग, तो नया नया में जो है कि बहुत डरते लोग हैं, ठीक है? और डर के मारे जो है कि एक्सीडेंट बड़ा हो जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, किसी को जो है कि मर भी जाते हैं कितने लोग। तो दोस्तों इसके लिए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोग आइएगा दुबई में, अगर आप लोग किसी भी कंपनी में आइएगा और कोई भी फोरमैन हो, कोई भी चार्जेंट हो, आप लोगों को दोस्तों अपने शरीर से, अपने ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ भी नहीं, अगर हाथ सही सलामत रहेगा, अपना सही शरीर जो कि सही सलामत रहेगा, तो हम लोग दोस्तों किसी भी दूसरी कंपनी में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए जो है कि डर कर काम जो है कि बिल्कुल आइएगा तो बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों ये जो है कि बिल्कुल जनरल चीज़ था जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके आप लोगों को जो भी पूछना होगा दोस्तों तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
चलिए दोस्तों फिर आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को हमारा जय हिंद जय भारत।